हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल एक्सट्रीम। आज हमारे चैनल पे एक नया मेहमान ऐड होने वाला है। उसको एक्चुअली लेके बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था इसको बनाने के लिए। मैं सोचा था कि जब मैं ये परचेज़ करूँगा तो ये आप लोगों के सामने ओपन करूँगा। और अब तक के जो मैं शूट कर रहा था वो कर रहा था SJ Cam से, SJ 6000 से, बट उसमें आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही थी। मुझे भी ऐसा लगा और काफ़ी लोगों ने भी मुझे कहा था कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। सो मैंने सोचा कि चलो लेट्स स्विच, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करते हैं। और अभी मैंने ये ऑर्डर किया, ये क्या है चलो ओपन करके देखते हैं डायरेक्ट। और हाँ, बाय द वे ये एक और चीज़ है जो इसी से रिलेटेड है, इसी पे अटैच होगी ये चीज़। सो दिखाता हूँ क्या चीज़ है। ज़्यादा बड़ी प्लास्टिक में होगी, ये लोग कैची हो गई। ये है हमारा नया मेहमान, GoPro Hero 7। ये तो काफ़ी अच्छे से पैकिंग किया हुआ है। तो पहले तो ये इसके ऊपर का लेमिनेशन ओपन करते हैं। अच्छे से पूरा लेमिनेट किया हुआ है इन्होंने, सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये GoPro Hero 7 और ये कैमरा लोगे तो ये आपको कॉस्ट पड़ेगा समवट अराउंड 28,000 का। बट अमेज़ॉन में अभी क्योंकि दिवाली और दशहरा का ऑफ़र था तो मैंने चांस पे डांस मार लिया और मुझे साथ में ये मिला है। और ये है डुअल बैटरी चार्जर, यानी कि इसके अंदर एक बैटरी है और एक चार्जर है जो इसके साथ अटैच होकर मुझे मिला है। अगर ये सेपरेटली अगर ख़रीदेंगे तो ये आप लोग कॉस्ट पड़ेगा समवट अराउंड 4,500 के आसपास आएगा। सो मुझे अच्छा खासा डील मिला अमेज़ॉन पर। तो 28 प्लस अगर 4,500 करेंगे तो हो जाएगा, तो 3,500 अप्रॉक्स होगा। ये चीज़ मुझे मिली 30,500 में। उसके ऊपर भी मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, वो HDFC का लाभ 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 XYZ सब डिस्काउंट को मिला के फाइनल मैंने जो पे किया है इसका वो है 27,000 का। तो अभी इसके ऊपर एक और लेमिनेशन लगा हुआ है तो ये भी लेमिनेशन को मैं ओपन करता हूँ। के साथ मुझे ये मिला है कुछ तो पासवर्ड प्रोग्राम करके कुछ है, आई डोंट नो क्या ये। और ये वारंटी कार्ड, 1 ईयर वारंटी कार्ड। सो ये स्ट्रिप यहाँ से पहले खींचना है क्या, और इसे ओपन करके ओके ये पोर्शन अलग है। तो ये हमारा जो मेन बेस है कुछ इस तरीके से अटैच रहेगा। सो ये बेस को हम बाद में देखते हैं, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। और सो इसके साथ एक मिलता है ये चार्जर वायर, एक है ये माउंट करने के लिए, एक बैटरी जो इसके साथ इनबिल्ड मिलती है हमें, और उसके साथ ये मिल रहा है ये GoPro ऐप का और ओपन इंस्ट्रक्शन वगैरह है। और GoPro के अंदर आप गूगल प्ले के अंदर आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा थ्रू विच यू कैन यूज़ योर GoPro एंड हाउ टू ओपन दैट फ्लैप एंड ऑल एवरीथिंग इज़ देयर। सो ये हम बाद में देखेंगे, वैसे तो अपने को पता है कि ये कैसे ओपन होता है, बट ये एक चीज़ मिली है। हैव अ क्वेश्चन, अगर कुछ इंक्वायरी कुछ क्वेरी है तो इनके वेबसाइट पे इनके चैट बॉक्स पे यहाँ से आप चैट कर सकते हो। GoPro का एक स्टिकर मिला है और एक यूज़र मैनुअल मिला है। सो ये एक यूज़र मैनुअल, सो ये चीज़ मिलती है इस बॉक्स के अंदर। और चलो चलते हैं फिर से हम हमारे बेस कैमरा पे। सो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मैट ब्लैक कलर का है। GoPro Hero 7 एक सिल्वर आता है एक ब्लैक आता है, मैंने ब्लैक लिया है बिकॉज ब्लैक का फीचर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है। सो अभी ये ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा है। इसको ये फ्लैप ओपन किया और सो दिस इज हाउ इट्स लुक्स, काफ़ी अच्छा है,
काफ़ी मैट है, सो पकड़ने में ग्रिप भी अच्छी आ रही है। आई थिंक ये स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको भी हम निकालते हैं। सो देखो कुछ इस तरीके से दिखता है ये, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, और मैट ब्लैक है, सो ग्रिप बहुत अच्छा आ रहा है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक माइक्रोफोन और यहाँ पर एक पावर बटन है, और ये यहाँ से जो अगर रिकॉर्डिंग जैसी हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ से चार्जिंग भी होगा, चार्जिंग पिन, और नीचे बॉटम में है इसके बैटरी डालने के लिए, यहाँ पर बैटरी का केस। सो यहाँ पर हम बैटरी डालेंगे हम बाद में और फिर इसको ऑन करेंगे। सो अभी हम जल्दी से इसे ऑन करते हैं और इसके बाकी के फीचर्स को देखते हैं। सो ऑन करने के लिए जो पावर बटन है इसे सिर्फ एक बार प्रेस करना है, ये प्रेस कर दिया मैंने और ये ऑन हो चुका है। सो ऑन होने के बाद ये जो फ्रंट स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा, सो यहाँ पर पता चलेगा कि कौन से मोड पे है, यहाँ पर पता चलेगा कि आपका एसडी कार्ड की मेमोरी कितनी बची है, और यहाँ पर बैटरी, और ये हम इसे टर्न करते हैं, टर्न करने पे ये दिखेगा आपका मेन 2 इंच का एलईडी स्क्रीन, और ये टच स्क्रीन है। सो देखिए यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है जैसे कि बैटरी, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये फ़ोटो शूट होगा या वीडियो शूट पे है, वीडियो मोड पे है, और यहाँ पर टच स्क्रीन जूम है, जैसे कि ये टच करके हम जूम कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको रिजोल्यूशन सेट करना है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 मोड है, एक तो है फ़ोटो और दूसरा है वीडियो, एंड जो थर्ड है वो टाइम लैप्स है। सो ये 3 है, हम अभी फ़िलहाल वीडियो पे रखता हूँ मैं इसे। अब जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से अपने सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम रिजोल्यूशन करेंगे 4K पे कर सकते हैं, 2K पे कर सकते हैं, और 2K पे रख सकते हैं। सो जैसा आपको शूट करना है वैसा हम शूट कर सकते हैं। सो 4K पे ये अभी मैंने रखा है सेटिंग 4K पे। सो अभी मैंने यहाँ पर 4K की सेटिंग सेट किया है, और इसके जो 60 फोटो पर सेकेंड्स पे सेट कर दिया है मैंने। सो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही रखेंगे, अब अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसको। सो ये आई थिंक मेरे लिए बेस्ट रहेगा, एंड देन वाइड फ़ोटो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लो लाइट के लिए भी ऑटो पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लो लाइट जो है वो कैप्चर करेगा, ये ऑटो पे फ़िलहाल मैंने रखा हुआ है। फिर स्टेबलाइजेशन भी मैंने ऑटो पे रखा है, आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल बैटरी बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि जब इनबिल्ट बैटरी जो आई थी उसकी बैटरी काफ़ी लो थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए चार्ज पे रखा है। सो अगली जो हमारी शूटिंग होगी वो डायरेक्ट होगी हमारे इस गोप्रो से। तो ये रही इसकी एक्चुअल क्लैरिटी, ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी लग रही है इसके अंदर मुझे। डे लाइट में तो काफ़ी अच्छी है, और इसे लो लाइट में भी एक बार टेस्ट करके देखेंगे। और जैसे कि वॉइस क्लैरिटी तो आप लोगों ने देखा है कि कितनी क्लियर वॉइस है, अभी तक कि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल माइक अटैच नहीं किया है इसको, सो फिर भी उसके अलावा ये कितनी अच्छी वॉइस दे रहा है। अभी मैंने स्टेबलाइजेशन को इसको बंद किया है और मैं डायरेक्ट शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी शेकी शेकी आ रहा होगा वीडियो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहा है। सो अभी मैंने स्टेबलाइजेशन को ऑन किया है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा हूँ अपने हाथों को, काफ़ी अप एंड डाउन हो रहा है, मैं काफ़ी स्पीड चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट सीरियसली माइंड ब्लोइंग है, ये कैमरा ज़रा भी नहीं मूव हो रहा है। सो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो दोनों भी कैमरे से एक साथ एक ही एंगल पे शूट कर रहा हूँ, और दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं SD कैम को साइड में रखता हूँ, बिकॉज दोनों के डिफरेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया। सो अभी मैं कैमरे को बाकी की उसके फीचर्स को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्लैरिटी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उस क्लैरिटी से, और अभी यही क्लैरिटी हम SD कैम से देखेंगे। सो अभी स्विच करता हूँ मैं SD कैम पे। ये जो क्लैरिटी आप देख रहे हो, अभी मैं स्विच कर दिया हूँ SD कैम पे, तो ये जो क्लैरिटी आप देख रहे हो ये SD कैम की।
डिफरेंस तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सो चलिए अभी वापस चलते हैं घर पे, बहुत बाहर घूम लिए, सनसेट भी होने वाला है, थोड़ा सा मैं इधर व्यू का थोड़ा सा मज़ा लेता हूँ एंड देन विल मूव ऑन। चले घर पे। तो अभी तक हमने देखा कि GoPro कैसे काम करता है, उसके फीचर्स हमने देखा। अभी GoPro के साथ में जो एक और चीज़ मैंने ऑर्डर किया था वो भी साथ में आई थी। सो ये है माइक्रोफोन, मानो का माइक्रोफोन। सो ये मेरे लगेगा मोटो व्लॉगिंग के लिए। सो इसको मैं हेलमेट के ऊपर सेटअप करने वाला हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से आता है एक बैग के अंदर। और इसके साथ में एक और चीज़ आई है, ये आई थिंक एक काइंड ऑफ यूज़र मैनुअल है। सो मज़ा आ रहा है। ये कुछ इस तरीके का माइक्रोफोन है। ये जो सेटअप होगा ये मेरे हेलमेट के अंदर सेटअप होगा। सो ये माइक जो रहेगा ये मेरे हेलमेट के आगे रहेगा चिन में, एंड देन ये अटैच होगा मेरे GoPro से अडेप्टर के साथ। और अडेप्टर जो मैंने अभी तक ऑर्डर किया वो आया नहीं है। सो जब वो आ जाएगा तो फिर वो मैं आप लोगों को जब मैं सेटअप करूँगा तभी बता दूँगा। ये एक मैंने ऑर्डर किया था विद GoPro Hero 7 के साथ में। सो ये मैंने ऑर्डर किया था Amazon से। इसका सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। ये जो मैंने लिया है ये थोड़ा सस्ता क्वालिटी का है। ये समवॉट अराउंड मुझे 200 रुपये का पड़ा था, 250 रुपीज़ का था। और ऐसे ही और भी अपग्रेडेड वन आते हैं इसके, जो जाता है 200 से लेके 5000-6000 तक भी आते हैं। सो ठीक है, अभी फिलहाल ये यूज़ करके देखूँगा, अगर इससे मेरा काम बन जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई हैव टू बाय अ न्यू वन। तो मैं दूसरा चेक करूँगा और अगर ये चेक करके मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब से जो मोटो व्लॉगिंग होगी वो विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी नो आउटसाइड की नॉइज़ और अच्छी क्वालिटी के साथ होगी। सो जस्ट इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू वेरी सून, बिकॉज अभी हमारी बहुत सारी राइड्स आने वाली है और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लंबी राइड आने वाली है। सो फिलहाल के लिए अभी वीडियो को एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। USB वायर, ये है हमारा चार्जर, डुअल चार्जर, एक एक्स्ट्रा बैटरी है यहाँ पे, ये एक यूज़र मैनुअल है, अगर बैटरी चार्ज करना हो तो इसके अंदर डाल के चार्ज करना है। सो ये मैंने दोनों बैटरी को चार्ज पे लगा दिया है, इस तरीके से ऑरेंज लाइट जलेगी और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी।